इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 23। दाऊद तो बूढ़ा बरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इस्राएल पर राजा नियुक्त कर दिया। तब उसने इस्राएल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया, और जितने लेवीय 30 वर्ष के और उससे अधिक अवस्था के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इसमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 6,000 सरदार और न्यायी, और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन बाजों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेरशोन, कहात और मरारी नाम लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेरशोनियों में से तो लादान और शिमी थे, और लादान के पुत्र सरदार यहीएल, और फिर जेताम और योएल, ये तीन थे, और शिमी के पुत्र शलोमित, हजीएल और हारान, ये तीन थे। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शिमी के पुत्र यहत, जीना, यूश और बरिया के पुत्र शिमी, यही चार थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। यूश और बरिया के बहुत बेटे न हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जियल चार। अमराम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसके संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए, और सदा यहोवा के सन्मुख धूप जलाया करे, और उसकी सेवा टहल करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेरशोम और एलीएजर, और गेरशोम का पुत्र शबुएल मुख्य था, और एलीएजर के पुत्र रहब्याह मुख्य, और एलीएजर के और कोई पुत्र न हुआ, परंतु रहब्याह के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्रों में से शलोमित मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरियाह मुख्य, दूसरा अमरियाह, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम था। उज्जियल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा इशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलियाजर और कीश थे। एलियाजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुए। सो कीश के पुत्रों ने, जो उनके भाई थे, उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली, एदेर और यरेमोत, यह तीन थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए, और 20 वर्ष की व उससे अधिक अवस्था के थे, और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे, क्योंकि दाऊद ने कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है, और वह तो यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है, और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना न पड़ेगा, क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें, और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का, और अखमीरी पपड़ियों का, और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का, और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करें, और प्रति भोर और प्रति सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें, और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों के गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाए, और यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करें।
और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करें।